हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, पूरे देश में है गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य, शोध पीठ स्थापना से मिलेगी छात्रों को शोध करने की प्रेरणा। गीडा के 30वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, की उज्जवल भविष्य की कामना। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप पांडे ने किया ऐलान, 5 साल में नोएडा से भी आगे होगा गीडा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के योग संगम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री गोरखनाथ शोध पीठ संस्थान का किया शिलान्यास, कहा अब लगभग 192 देश के लोग करते हैं योग। खजनी थाना क्षेत्र में हुई किशन की हत्या का मुख्य अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी साउथ ने किया खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कबड्डी के खिलाड़ियों के साथ रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू होगा कबड्डी। अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में देश की 12 टीमें लेंगी हिस्सा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भोलेन्द्र सिंह के निधन पर सीएम योगी पहुंचे उनके आवास, की परिजनों से मुलाकात, बढ़ाया ढांढस। 14 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का दूसरे दिन भी रहा कार्य बहिष्कार, कहा मांगे पूरी नहीं होने पर किया जाएगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। सीएम योगी ने गैलेंट इस्पात लिमिटेड के 510 करोड़ के निवेश से स्टील प्लांट के विस्तारीकरण का किया शिलान्यास, कहा अब पूर्वांचल के बेरोजगारों को भी मिलेगा रोजगार। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का व्यापारियों ने किया विरोध, कहा चौड़ीकरण के नाम पर किया जा रहा है दुकानदारों का उत्पीड़न। युवा कांग्रेस की संपन्न हुई आवश्यक बैठक, 13 दिसंबर को होने वाले यूनाइटेड यूथ फ्रंट की पैदल मार्च की सफलता के लिए युवा कांग्रेसियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। संपन्न हुआ सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज का स्थापना सप्ताह समारोह और वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में अतिथियों ने पुरस्कार देकर किया सम्मानित। और GCA के अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग में गोरखपुर रेडमी कुशीनगर ए को 4 विकेट से दिया मात।